अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगा कि माइंड ब्रिज में जो आपका फर्स्ट इंटरव्यू होता है उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन होते हैं और फर्स्ट इंटरव्यू से पहले क्या होता है और फर्स्ट इंटरव्यू के बाद क्या होता है। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और आपको इसके अंदर काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले जब आप माइंड ब्रिज के ऑफिस में दाखिल होते हैं तो आपको एक विजिटर का कार्ड दे दिया जाता है। वो विजिटर का कार्ड लेकर आप उनके ऑफिस में जाते हैं जहाँ पर इंटरव्यूज़ होते हैं। इंटरव्यू के लिए आप जिस ऑफिस में जाते हैं वहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी सीवी जमा करवानी होती है। सीवी जमा करने के लिए एक शख्स वहाँ पर होता है, वो आपकी सीवी जमा कर देगा। सीवी जमा करने के बाद आपको कॉल किया जाएगा और आप फर्स्ट इंटरेक्शन इंटरव्यू के लिए किसी मैनेजर के रूम में जाएंगे या किसी एचआर के रूम में जाएंगे जहाँ पर आप अपना फर्स्ट इंटरेक्शन इंटरव्यू देंगे। और उसके अंदर क्या क्वेश्चन होंगे, उसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन होगा, उसके अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो ये है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो आपने ये क्वेश्चन रेडी करके जाना है। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन हमेशा इस तरह से नहीं होगा कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। वो आपसे भी पूछ सकते हैं कि पूछेंगे वो आपसे यही कि अपने बारे में आप कुछ बताएं इन अ टर्म के, ये इंग्लिश में वो आपसे पूछेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये होता है कि क्या आपका कोई एक्सपीरियंस है कॉल सेंटर में या आपने कभी कॉल सेंटर में कोई वर्किंग वगैरह की है। अगर आपने की है तो तीसरा क्वेश्चन आपसे ये होता है कि आप क्या शिफ्ट्स में ईजी हैं। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे मतलब जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो कहते हैं कि जनाब आपने ये कहना है कि जी हाँ मैं शिफ्ट में बिल्कुल फ्लेक्सिबल हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं मॉर्निंग इवनिंग नाइट सारी शिफ्ट कर सकता हूँ। क्योंकि जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था तो मुझे भी लोगों ने यही कहा था कि बस आपने ये कहना है कि मैं सारी शिफ्ट कर सकता हूँ। तो शिफ्ट के हवाले से आपने बिल्कुल मतलब उनको कहना है कि जी मैं फ्लेक्सिबल हूँ, इसमें मुझे जो है वो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट इंटरेक्शन इंटरव्यू है वो ख़त्म हो जाएगा। फर्स्ट इंटरेक्शन इंटरव्यू के बाद वो आपको बाहर भेज देंगे जहाँ पर आपने कंप्यूटर पर जो इंटरव्यू है कंप्यूटराइज इंटरव्यू वो आपने देना होगा और कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी होगी। तो अगर आप अगली वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कंप्यूटर सेक्शन में आपने वहाँ पर क्या फिलअप करना होगा। मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।